तो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बारिश स्टार्ट होने वाली है और अभी बारिश से स्टार्ट होने के पहले कुछ काम जो होते हैं प्लांट्स में करना बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनको करने से हमारे प्लांट्स और ज़्यादा अच्छे रहते हैं। क्योंकि प्लांट्स बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, थोड़ी सी भूल चूक हुई और उसका मतलब असर भी हमें बहुत जल्दी देखने मिल जाता है, ठीक है ना। तो आइए इसे देखते हैं कि इन कामों को हम कैसे कर लें। अभी से मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ तो कल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी, तो थोड़ी सी बारिश हो गई है ना। तो अभी ये जो मैं आपको काम बता रही हूँ, ये काम आपको करने हैं, समझिए 15 दिन बाद, जब बारिश की मतलब फर्स्ट शावर पड़ेगी उसके बाद एकदम फौरन बाद आप नेक्स्ट डे इनको कर लीजिए, है ना। क्योंकि ज़्यादा देर होना मुश्किल हो जाएगी। ऐसे तो बारिश का पानी पेड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, उसमें हाई ऑक्सीजन हाई नाइट्रोजन होती है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है ना। लेकिन पहली बारिश निकल जाने दें, उसके बाद ही ये काम स्टार्ट करें, नेक्स्ट डे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम तो ये है कि अपने गमलों के जो ड्रेनेज होल है ना, उनको बहुत ध्यान से आप डबल चेक कर लें। इनफैक्ट एक बार चेक छेद करके फिर पानी डाल के फिर चेक करें, अगर ठीक से पानी निकल रहा है तो दोबारा चेक करें। तो अगर ड्रेनेज होल बंद है तो उसको कैसे ओपन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पानी डालते डालते ना विद टाइम जड़ें भी नीचे आ जाती हैं और मिट्टी भी जो हमारा वो जो लगाया होता है ना ड्रेनेज होल के हमने ठीकरा, वो उसके आसपास भी जम जाती हैं, तो पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। गर्मी के दिनों में तो चल जाता है धीरे धीरे निकले, लेकिन बारिश में तो होती रहती ना बारिश, तो हमको उसको निकालने का बहुत ध्यान करना पड़ता है। अब देखिए जैसे इसमें से रूट्स ओवर ग्रो बाहर निकल आई हैं, है ना। तो ऑफकोर्स हो गया होगा। अब इसको खोलना कैसे है देखिए, इसको इसमें स्क्रू ड्राइवर लेके हल्के हाथ से फोंक दीजिए ऐसे, तो वो ना ऊंचा हो जाएगा, जो आपने ठीकरी लगाई थी ना वो ऊंचा हो जाएगा, है ना। तो पहला काम तो ये हो गया, देखिए। तो अब रिपोर्टिंग भी इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला तो ये हो गया काम, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको डबल चेक करनी है। एक बार छेद कर ड्रेनेज होल ऐसे ऊपर उठा के फिर पानी डाल के दोबारा चेक करें कि पानी क्विकली उसमें से निकल रहा है या नहीं, नहीं तो आप दोबारा उसको फिर ठोंक के इसी तरह से और ऊंचा करें। नेक्स्ट इसमें आता है कि आपने जो ये प्लांट्स के नीचे प्लेट्स लगा रखी होंगी, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। अब इनको निकाल दीजिए, क्योंकि अगर प्लेट्स रहेंगी पानी उसमें भरा रहेगा, तो अभी इतनी ज़रूरत तो है नहीं प्लांट्स को पानी की, ज़रूरत उसमें एक चीज़ और क्या होगी, मच्छर ही उसमें ग्रो करेंगे, ठीक है ना। तो इनसे भी बचाव हमको रखना है। नेक्स्ट जो काम ये है वो ये कि हमको ये जो हमारे प्लांट्स होंगे, हमने अभी तक खाद वाद डाल के ना इनको ऊपर तक भर दिया था, तो अब इनमें से थोड़ी सी ऊपर से हम इनमें से ये निकाल देंगे मिट्टी, है ना। तो क्या होगा, हम मिट्टी निकाल के और इसमें हम भर देंगे खाद, क्योंकि खाद डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी बारिश होगी तो जो हमने ऑलरेडी डाल रखी है वो तो बह ही जाएगी, है ना। और जो हमारे गमले हैं तो वो बिना उसके बढ़ते रहेंगे, तो इस टाइम एक तो इतनी गर्मियों में सारी जो मतलब ग्रोथ समझिए एक तरह से रुकी गई थी, तो अब हम उनकी ग्रोथ करने के लिए तो कुछ भी हेल्प हम कर ही नहीं रहे ना। तो जो भी हम गुड़ाई करेंगे तो ध्यान रखें कि ये रूट्स के पास ना करें, रूट्स से थोड़े दूर करके करें, है ना। क्योंकि अभी भी प्लांट बहुत कमज़ोर कंडीशन में है, तो इनकी रूट वॉल को किसी भी तरह से, ये पत्ती बहुत अड़ रही है बीच में, ठीक हो गया। तो अभी बहुत वल्नरेबल कंडीशन में ही है, तो इसलिए इनको हमको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरे प्लांट्स में जो भी वीड्स वगैरह हो तो उनको निकाल दीजिए अच्छी तरह से। कई बार होता है ना, हम कुछ कटिंग लाए, ये लाए, वो लाए, इधर उधर प्लांट में लगा दी, तो वो सब निकाल दीजिए आप। इनको निकाल के अलग लगा दीजिए और थोड़े दिन इन्हें शेड में ही रखिए, क्योंकि वो भी अभी तो वीक ही हैं, है ना, थोड़े दिन में स्ट्रांग हो पाएंगी, ठीक है। ये हो गया, ये देखिए, ये निकाल लिया हमने इसका। फ्रेंड्स, इस टाइम जो हमको गुड़ाई करनी है वो हमें गहरी गुड़ाई करनी है, देख रहे हैं आप, और किनारे किनारे से ही करनी है। अभी तो क्योंकि गर्मियों में तो हम तो सब ऊपर ऊपर से ही कर रहे थे कि प्लांट को किसी भी तरह से ना शॉक ना पहुंचे, ठीक है। तो अब इस टाइम गहरी गहरी करनी है गुड़ाई, क्योंकि थोड़ी जड़ें थोड़ी सी कट कूट जाएंगी
तो वो जब अभी मौसम अच्छा होगा तो प्लांट में ग्रोथ होगी और तो नई जड़ें भी अच्छी बन जाएंगी, ठीक है। और ये जो हमको अब इसमें हमें डालेंगे थोड़ा सा खाद, खाद इस टाइम सबसे बढ़िया जो खाद रहती है वो गोबर की खाद रहती है या वर्मी कंपोस्ट होती है, इन दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। बेस्ट तो गोबर की खाद होती है ना, मैं तो वही डालती हूँ, बाकी आपकी जो अवेलेबल हो आपको आप वो डालिए। गुड़ाई करके और अच्छी तरह से हमने सब मिट्टी फोड़ दी है, आप देख रहे हैं ना कहीं कोई साबुत चीज़ बची नहीं है, सब उसमें बिल्कुल मिट्टी एक बराबर चूरासी हो रखी है। तो अब हम इसमें डालेंगे गोबर की खाद, ठीक है। गोबर की खाद अच्छी से, ये जो मैं आपको डाल के बता रही हूँ ये आपको 15 दिन बाद करनी है ना, एक आध बारिश पड़ जाए तब, अभी नहीं करना है क्योंकि अभी तो धूप और निकली रहेगी। ये आपको तैयारी के लिए कर रही हूँ ताकि आप सामान सारा अपना लेके आ जाएं और कर लें, क्योंकि उसी वक्त फिर लाने में और ढूंढने में दिक्कत भी हो सकती है, कहीं तेज़ बारिश हो गई तो आपको जाने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। इसलिए मैं ये आपको पहले से तैयारी के लिए तरकीबें बता रही हूँ, ठीक है। ये हो गया खाद, और खाद डाल के इसको, खाद को पानी तो डालना ही है, अभी डालती हूँ मैं, और लेकिन खाद का लेवल गमले से काफ़ी नीचे रखना है, समझिए 3-3 अंगुल के नीचे रखना है। वो इसलिए क्योंकि पानी की बूंदें जब इसमें से पड़ेंगी तो ये खाद ना फोर्स के साथ पड़ती हैं तो ये उचट जाती है बाहर, तो गमले से बाहर ना निकले, इसी में ही रहे, इसलिए ये आपको डाल के बता रही हूँ मैं कि थोड़ा नीचे रखें खाद का लेवल, ठीक है। अभी मैं इसमें पानी डाल के बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया काम इसका ख़त्म। अभी क्या है, जिन प्लांट्स की ओवर ग्रोथ हो चुकी है जैसे कि गुड़हल हैं और रोज़ेज़ वगैरह हैं, तो इन सब की आपको लाइट प्रूनिंग कर देना चाहिए, क्योंकि जब लाइट प्रूनिंग होगी तभी नई ब्रांचेस निकलेंगी और नई ब्रांचेस पे ही आते हैं फूल, तो इसलिए प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए इनकी छोटी छोटी सी करना है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है प्रूनिंग आपको, बस इतना छोटा छोटा सा काट दीजिए टिप्पे से काटेंगे तो वहीं से आसपास से ब्रांचेस निकल आएंगी, नहीं जो फालतू ब्रांचेस हैं उनको तो आप नीचे से ही उड़ा दीजिए बिल्कुल, जिनका कोई रोल ही नहीं है, है ना। ये तो सिर्फ प्लांट का भोजन और ख़त्म करती हैं, और ठीक है ये इस तरह से आप इनकी प्रूनिंग कर दीजिए। पानी से संबंधित एक चीज़ और ध्यान रखें, बारिश के दिनों में स्ट्रिक्टली जब तक पॉट की मिट्टी सूख नहीं जाती, इसके आप बारिश तो हो ही रही है, जब तक पॉट की मिट्टी सूख नहीं जाती तब तक आप उसमें पानी मत दीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से प्लांट ज़्यादा मरते हैं, अंडर वाटरिंग से कम मरते हैं। और बारिश ऑलरेडी हो ही रही है, मौसम में हो गई ही ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, तो प्लांट मरेगा नहीं आपका, इसलिए अननेसेसरी वाटरिंग करके प्लांट को मरने के लिए तरफ मत ढकेलिए, ठीक है। तो जब मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी डालना है बारिश के दिनों में। बारिश के टाइम में बहुत सारे काम करने होते हैं तो इसलिए आपको पौधे भी लगाने होंगे, मिट्टी भी लगानी चाहिए होगी, तो ये आप गमले भी लेकर अपने आ जाएं, मिट्टी भी इकट्ठी कर लें, खाद भी लेकर आ जाएं, ठीक है। और जो जो सब्जियों के फलों के फूलों के बीज आपको लगाने हैं वो भी ला के आप इकट्ठे कर लें। बहुत सारी कटिंग्स भी आपको लगानी होंगी तो सोच के रख लें कौन कौन सी आपको कटिंग लगानी है, तो उन कटिंग्स को भी आप कौन से कहाँ से लेनी है, और उनको लगाने के लिए आपको पॉट चाहिए होगा, चाहे दही का कप या कोई और बिस्किट वगैरह की कोई ट्रे हो या लंच बॉक्स हो या कोई डब्बा कटोरी हो वो भी रख सकते हैं। सैंड भी चाहिए होगी कटिंग्स लगाने के लिए। एयर लेयरिंग के लिए भी ये सबसे अच्छा टाइम है, तो ध्यान रखें आपको कौन कौन से प्लांट्स में एयर लेयरिंग करनी है, तो इन सब की भी आप तैयारी अभी से करके रख लें। एक कागज़ पे एक अपना चार्ट अलग से बना के रख लें जो आपको करने वाले काम हैं, और एक एक काम करते जाएं और उस पर टिक लगाते जाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका कोई भी काम छूटेगा नहीं, सब काम आपके बिल्कुल सिस्टमेटिक सुचारू रूप से हो जाएंगे। इस टाइम फ्रेंड्स गमलों में बहुत ज़्यादा ईड्स भी लगते हैं तो आपको पेस्टिसाइड्स भी ला के रखने चाहिए, और साथ में क्या होता है कि इस टाइम पे कि गमलों के पोर्स खुले होते हैं तो आपको फर्टिलाइज़र भी डालने होते हैं, वो तो फर्टिलाइज़र भी लिक्विड वाले भी आप बना के रखें या लेकर आ जाएं, या आप सामान ला के रख लें हाल के हाल बना लें, ठीक है ना। तो ये सब भी तैयार रखें, और नीम ऑयल वैसे बेस्ट होता है इस टाइम करने के लिए, तो एवरी 15 डेज पे नीम ऑयल और डिश वॉश का अपना स्प्रे सब प्लांट्स पे करते रहें तो बचे रहेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि इस टाइम वो बहुत लगता है पेड़ों में जड़ों में फंगस, तो
तो आपको एंटी फंगस पाउडर भी ला के रखना चाहिए, बावेस्टिन, ट्राइकोडर्मा, साफ या जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप ला के अभी से रख लें। और जब एक दो बारिश हो जाए तब आपको लगेगा कि हाँ अब मतलब तेज़ धूप पड़नी ख़त्म हो रही है, तो अगर आपने ग्रीन नेट बांध रखी होगी तो उसको हटा दीजिए, है ना। और जो गमले आपने बिल्कुल अंदर शेड में या उसमें कर रखे होंगे तो उनको बारिश का पानी लगने के लिए खुले में रख दें। अगर आपको लगता है कि धूप उस आपके एरिया में तेज़ नहीं पड़ेगी तो ही रखें, है ना, नहीं तो वो ओवर हीटिंग से भी प्लांट दोबारा बर्न हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और बारिश का पानी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है प्लांट्स में, समझिए जीवन का संचार कर देता है। तो और अगर आप इकट्ठा करके रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन उस पानी को इकट्ठा करने के लिए आपको कोई दो एक दो केन आप ला के रख लें, और अच्छी तीन चार बारिश जब पड़ चुके ना उसके बाद आप पानी को बड़े बड़े टब में या बकेट्स में इकट्ठा करके अपनी केन में भर के रख लें। तो जब आपके प्लांट्स बिल्कुल डाइंग कंडीशन में होने लगते हैं ना समर्स में या साल के बाकी हिस्से में, तो वो पानी उस टाइम बहुत यूज़ में आता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है और इलेक्ट्रिकली चार्ज वाटर होता है, ठीक है ना। तो उस पानी के भी बहुत फ़ायदे हैं, तो उसको रखने का भी अगर आप सोचते हैं तो आपको एक दो केन ला के रख लेना चाहिए अपने पास। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नॉलेज थी और जो प्रिकॉशंस मैं लेती हूँ अपने प्लांट्स को करने के लिए, बारिश के लिए रेडी करने के लिए, तो वो मैंने आपसे शेयर की। तो आई होप आपको भी मदद मिलेगी इस तरह से अपने प्लांट्स के लिए तैयारी करने में। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।